सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं स्ट्रैंडेड डीप। और बेसिकली ये गेम एक सर्वाइवल गेम है और हम लोगों को एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा, वहां हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ओह शिट यार, ये तो पूरा हॉरर गेम जैसा लग रहा है और इतना अंधेरा। चलो लाइट भी आ गई। हम लोग शायद किसी प्लेन में है और हम लोगों को यहाँ पर, अबे यार ये प्लेन इतना खाली क्यों लग रहा है? मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है क्या? सिर्फ मैं ही था यार इस प्लेन में। और क्या पायलट है यार, ये प्लेन ऐसी उड़ रही है। हाँ चलो यार, पायलट तो है लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि यार अपन पायलट साइड नहीं जा सकते हैं। पर ये क्या है इसको? अच्छा हाँ, इसको हम लोग को शायद कुछ करना है। इसमें हम लोग को लाइटर से कुछ करना है, टैप दबाना है। अच्छा हाँ, हम लोग को शायद इसमें आग लगानी है। लाइटर अब कहाँ मिलेगा यार मुझे? यहाँ पर एक पैन पड़ा है और नीचे कुछ बॉटल्स और ग्लास रखी है, लेकिन मुझे अभी लाइटर समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ। ओ यस, मेरी इन्वेंटरी में पहले से ये लाइटर, तो इसे मुझे शायद अभी लाइट अप करना है। हाँ तो चलो यार, ये लाइट अप भी हो गया, लेकिन इसका होगा क्या? क्या हमें इसे उठाना है? चलो उठा तो लिया, लेकिन अब इसका करना क्या यार? एक तो देखो यार, इसका कंट्रोल बहुत ही अजीब सा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंट्रोल करना है। तो अभी लगता है हमारी सारी क्राफ्टिंग और बिल्डिंग की जो कॉम्बिनेशन रेसिपीज है वो सारी खुल गई है। और अभी क्या करना है, हमें अपनी सीट पर वापस जाना है। और यार इसके पता कंट्रोल लिटरली यार बहुत उल्टे सीधे लग रहे हैं मेरे को। मतलब मैं अभी इसको लेफ्ट कर रहा हूँ तो अपने आप राइट हो रहा है, ये अपने आप बैठ गया यार आके यहाँ पर। और अभी, अबे यार ये इतनी प्लेन क्यों हिल रही है भाई साहब? क्या हो गया? अबे यार ये कैसे हो रहा है? लगता है प्लेन अपनी क्रैश होने वाली है, क्योंकि यार देखो वहां पर प्लेन के उधर होल हो गया एक, और लगता है अब तो हम गए यार। लोडिंग लिखा रहा है यार, चलो मैंने स्किप कर दिया उसको पार्ट को। और अभी हम लोग किसी आइलैंड क्या, हाँ यहाँ पर एक आइलैंड है। और हमारा प्लेन कहाँ गया? यहाँ पर एक पैडल पड़ा है, चलो इसको हम लोग उठा लेते हैं और इसकी मदद से हम लोग आइलैंड के साइड में जा सकते हैं। और हो सकता है यार पानी में काफ़ी सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स भी हो, जो कि रिवर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर शार्क भी हो। तो अभी मुझे सबसे पहले इस आइलैंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर मैं आइलैंड पे जाऊँगा ना तो ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे लिए। एक बार ना तुम लोग इस गेम के ग्राफिक्स देखो यार, कितने शानदार ग्राफिक्स हैं। और यार इतने सस्ते में, मतलब इतना अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम ना यार बहुत कम मिलते हैं। इसके आगे शायद मुझे राफ्ट से उतर के जाना पड़ेगा, और राफ्ट को यार ऊपर लाना ही पड़ेगा मुझे आइलैंड के, नहीं तो यार ये भी पानी के सहारे बह के चली जाएगी ना। लिफ्ट राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों यार। लगता है यहाँ पर ज्यादा पत्थर है ना, इसके कारण मुझे यार इस राफ्ट को ना साइड से लेके आना पड़ेगा जहां पर कम पत्थर हो, तो इसको मुझे थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा। और अरे यार यहाँ पर ना और आइलैंड है आसपास, मतलब मुझे बहुत सारे आइलैंड में मुझे जाके देखना पड़ेगा यार कि क्या कुछ है वहाँ पर। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी ढेर सारे हैं, यानी यहाँ पर ना मुझे रिसोर्सेज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसके आगे मुझे उतर के जाना पड़ेगा और यहाँ पर लिफ्ट राफ्ट शायद मैं कर पाऊँ अब। हाँ तो मैं अभी लिफ्ट कर सकता हूँ, इसको ऊपर लेके आते हैं, नहीं तो यार ये अगर बह गए ना तो हम लोग इस आइलैंड से स्केप नहीं कर पाएंगे, और हमें यार वापस अपने घर भी तो जाना रहेगा। इसलिए यार इसको ना अभी ऊपर लाना है सबसे ज्यादा सही रहेगा, और मैं ना इसको और ऊपर लेके आ जाता हूँ। अरे इसके ऊपर क्यों चढ़ गया यार मैं? और अभी ना यार ये देखो तुम लोग, पेड़ पौधे कितने सारे हैं यहाँ पर। अभी मतलब इसको ना और ऊपर लेके आ जाता हूँ मैं, नहीं तो यार क्या पता पानी के बहाव से ये भी वापस बह के चली गई, तो यार बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। और अभी भी ना यार इस गेम के मैं कंट्रोल्स अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ यार। देखो अभी लिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको यार बीच में लेके आ जाते हैं, यहाँ तक लेके आ जाते हैं। और अभी मतलब अब तो पानी शायद इसको बहा के ले जा पाएगी। और मेरी इन्वेंटरी में यार देखो ये पैडल पड़ा है, इसको यहीं छोड़ देता हूँ मैं। और ये क्या है, इसको शायद मैं काट सकता हूँ। चलो यार इससे कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। और ये क्या है, आई थिंक इसका काम कुछ बांधने के लिए होगा, लैशिंग है ये। वो यहाँ पर एक क्रैब भी है, तुम लोगों ने देखा नीचे, लैशिंग भी उठा ही लेता हूँ मैं। और अभी मतलब यार मैं बता रहा हूँ ना यार, ये कंट्रोल्स मुझसे जम ही नहीं रहे पता नहीं क्यों। यहाँ पर भी इसको भी काट लेते हैं, और लैशिंग का कुछ ना कुछ अच्छा ही काम होगा। वो देखो क्रैब के ऊपर गिर गया, और ये क्रैब का क्या करना है? ये क्रैब क्या, हमको क्रैब खाना है क्या?
इसको भी मार देते यार, इसको भी उठा लेते। चलो हाँ, मुझे लग रहा है यार इस आइलैंड पे सरवाइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और क्रैब शायद हो सकता है, और यहाँ पर ना ढेर सारे पाम ट्रीज भी है, तो मुझे कोई ना कोई फ्रूट भी मिल जाएगा इसके ऊपर से। और ये क्या पड़ा है यहाँ पर, शायद रॉक है, तो रॉक से मैं कोई टूल बना सकता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर स्टिक भी है ना, तो स्टिक और रॉक की मदद से मैं कोई ना कोई टूल्स बना सकता हूँ। अरे हाँ, मुझे लैशिंग मिली थी ना, और ये क्या है, ये कोई अलग प्लांट है यार, पटेटो प्लांट है ये शायद, तो इसको भी मैं काट ही लेता हूँ यार, पटेटो भी काम ही आ जाएंगे, इनको भी रख ही लेते यार, पटेटो भी खाने के काम आ जाएंगे जब हमारी हंगर बढ़ेगी ना। देखो अभी हंगर तो फुल है हमारी, मतलब अभी हमें भूख तो नहीं लगी है, और अभी देखो स्टिक मिल गई है, लैशिंग का काम होने वाला है, तो अभी मैं लैशिंग ही फेंकता हूँ, और साथ में ये जो स्टिक है ना इसको भी फेंक ही देता हूँ, क्योंकि देखो अभी क्राफ्टिंग की जो रेसिपी है ना वो कुछ ऐसी है कि हमें एक लैशिंग चाहिए, एक स्टिक चाहिए, और साथ में रॉक चाहिए, तो उससे ना मैं शायद एक एक्स बना सकता हूँ। और मेरे पास क्या है, क्रैब तो नहीं काम है, लेकिन लैशिंग का हाँ बहुत काम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर अभी मैं एक्स बना सकता हूँ इससे। तो मेरे पास अभी एक टूल आ गया, मेरा पहला टूल आ गया है, तो इससे मैं कुछ ना कुछ यार पाम ट्रीज को तोड़ सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। क्रूड एक्स एक टूल है जो कि यार काटने के काम आता है, और इससे यार शायद मैं इन पेड़ों को काट सकता हूँ। यार गलती से मैंने इसको फेंक दिया, लेकिन कोई नहीं, वापस उठा लेते इसको, और देखते यार क्या मैं इससे पेड़ को तोड़ सकता हूँ। पाम ट्रीज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मैं कैसे तोड़ूँ। चलो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, तो यार इसको भी फटाफट तोड़ सकते हैं, और इससे मुझे आई थिंक लॉक्स मिलेगी, और लॉक्स को हम लोग काट के स्टिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रंक है, हाँ, तो पेड़ के ट्रंक को हमें पहले काटना पड़ेगा, और उसके बाद शायद हम लोग लॉक्स मिलेगी, और उससे हम लोग प्लैंक्स या तो स्टिक्स बनाएंगे। तो ये लॉग मिल गए। अरे ये ग्रीन कोकोनट कहाँ से मिला यार, चलो इसको भी उठा ही लेते हैं। और अभी मुझे समझ में आ रहा है यार, कोकोनट भी यहाँ पे है, तो हम लोग पानी की टेंशन नहीं लेनी हमें, क्योंकि कोकोनट को हम लोग एक तरीके से यार वाटर के रिसोर्सेस भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें स्टिक्स मिल गई है, तो ढेर सारी स्टिक है, यहाँ पर 4 स्टिक हमें मिल गई है, और अभी बैकपैक में जगह नहीं है, इसको हम लोग फेंक देते हैं यार यहीं पर, क्योंकि कोकोनट तो यार ढेर सारे है। यहाँ पर शार्क है भाई, गजब यार, पानी से मुझे दूर ही रहना पड़ेगा, इसको यार थोड़ा देखते हैं, बहुत अमेजिंग लुक है यार, मुझे पानी से दूर ही रहना यार, अभी मुझे मरने का कोई भी आइडिया नहीं है, अभी मतलब अगर मैं मर गया ना तो क्या होगा मेरे साथ मुझे खुद को नहीं पता, क्या पता यार ये गेम पूरा ही फिनिश ही हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेनी जैसा तो है नहीं ना कि डे 1 डे 2 चलेगा। तो अभी मेरे पास स्टिक्स तो आ गई है ढेर सारी, और अभी ना मुझे यार एक और टूल बनाना है, इसके लिए मुझे अभी एक स्टिक मैं यहीं फेंक देता हूँ, और क्या मेरे पास अभी लैशिंग शायद इन्वेंट्री में है ना, तो लैशिंग भी एक फेंक ही देता हूँ यार, क्योंकि मुझे अभी एक और टूल बनाना है। आई थिंक मैं रॉक मेरे पास नहीं है, तो मुझे रॉक अभी और ढूंढना पड़ेगा, और मुझे ना कैंप को बनाना पड़ेगा। मैं अपने स्टिक्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख देता हूँ, जैसे कि यार कभी अगर मेरी इन्वेंट्री खाली रहेगी ना, तो मुझे यार काफी सारे सामान मैं ले पाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने स्टिक्स को रख देता हूँ सारी, और अभी ना मुझे यार क्या करना है, अभी मुझे रॉक्स ढूंढना है यार, क्योंकि रॉक ना मुझे अभी टूल्स बनाने के लिए काफी सारे रॉक्स चाहिए, और यहाँ पर एक रॉक है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, और रॉक से देखो अभी मैं एक दूसरा टूल बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक्स तो है, रॉक को मैं यहीं फेंकता हूँ, और उसको मुझे यार कट करना है अभी, तो रॉक को मैं फेंकता हूँ, और इसको मैं अभी मुझे यार एक्स नहीं बनाना है, मुझे दूसरा टूल बनाना है, इसलिए मतलब इसको ना उठा के मुझे अभी कट करना है। ये कहाँ गिर गया यार, पीछे चले गया, चलो इसको अभी कट कर देते हैं, और कट करने के बाद आई थिंक ये और शार्प हो जाएगा, तो उससे ना मैं कोई दूसरा टूल बना सकता हूँ। यहाँ पर ये दो भाग में कट गया है, और इसको ना मैं इसके साथ रखता हूँ, जिससे ये कुछ और टूल आई थिंक बनेगा, आई थिंक ये नाइफ बन सकता है एक, तो चलो यार इसको, हाँ क्रूड नाइफ बनेगा यहाँ पर, इसको मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। अभी क्रूड नाइफ भी हमारे पास है, और अगर इस आइलैंड में कोई एनिमल आएगा ना, तो उसको मैं शायद इस नाइफ से मार सकता हूँ। और देखो यार ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो लैशिंग के जो पेड़ है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, तो मुझे लैशिंग की तो यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जितने भी है ना पेड़ यार, इसको मैं यहीं रख देता हूँ, क्योंकि यार इन्वेंट्री में फालतू में जगह भराएगी, और पटेटो प्लांट भी जो है ना ये बार बार बड़े हो रहे हैं, तो खाने की भी टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। तो देखते यार अभी लैशिंग बहुत सारे चाहिए, मुझे रॉक्स तो चाहिए, और यहाँ पर एक रॉक है, इसको भी रख ही लेता हूँ, क्योंकि यार देखो रॉक ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी मेरे को इन्वेंट्री में से कुछ खाली करना पड़ेगा, ये क्रैप फालतू में यार, भगाओ यार इसको।
क्रैब यार फालतू में रखा है यार, वैसे भी इसको यार यहाँ पे काट ले तो मेरी लैशिंग जितनी ज्यादा रहेगी ना उतना सही रहेगा। और अभी तो यार मुझे क्राफ्टिंग वाफ्टिंग का सब पता चल गया, अभी एक्स तो और बना सकता हूँ मैं, और यहाँ पर अभी रॉक को भी उठा ही लेते हैं क्योंकि यार रॉक तो सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यार देखो रॉक से तो सारे टूल बनने वाले हैं अपने। और यहाँ पर एक और रॉक है इसको भी उठा ही लेते हैं। स्टिक्स तो यार वैसे भी मुझे मिल ही जाएगी, पाम ट्रीज है यहाँ पर ढेर सारी, और देखते यार इसके अंदर शायद ये कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ से यार अभी चलते कुछ और ढूंढते यार, रॉक तो मुझे चाहिए यार, ढेर सारे रॉक मिल जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। और अब वो देखो यार वहां पर फिर से यार शार्क अभी घूम ही रही है, और मुझे यार पानी से दूर ही रहना है। कोकोनट को शायद मैं पी सकता हूँ इसको, कोकोनट को, कोकोनट में ऑप्शन आ रहा है यार शायद, हाँ ड्रिंकेबल कोकोनट हो गया। अभी मैं खाने के लिए भी इसको यूज कर ही सकता हूँ, कोकोनट को मैं खा भी सकता हूँ, इसको पी भी सकता हूँ, तो बहुत सही चीज है ये। और अभी ना इसको मैं रख ही देता हूँ यार यहीं पर, क्योंकि देखो अभी मुझे यार खाने की ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। वैसे कोकोनट मुझे साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी अगर हंगर बढ़ जाती है ना एकदम से तो खाने का कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात है यार कोकोनट को मुझे पकाना भी नहीं पड़ेगा, और ये फिर से रीग्रो हो गए, ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। जितनी भी बार ये रीग्रो होंगे ना मैं उनको उतनी बार काट के ढेर सारे लैशिंग्स इकट्ठा कर सकता हूँ। और पटेटो प्लांट भी फिर से उग गया है, इससे भी यार मैं मतलब खाने की टेंशन ही नहीं लेनी है अब मुझे। और मुझे यार अभी क्या करना है, अभी ना मुझे और रिसोर्सेस इकट्ठा करने चाहिए। सबसे पहले तो यार क्या करता हूँ मैं कि अभी और पेड़ दिखता हूँ यार, पेड़ तो स्टिक्स तो है यार अपने पास में से, अभी रॉक्स अगर और हो जाना तो यार ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रॉक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है अपन को। और यहाँ पर एक और लैशिंग का पेड़ है, इसको भी काट लेते हैं क्योंकि लैशिंग भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और अभी मुझे ना अपना सबसे पहले कैंप बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे ना थोड़ी सी, अभी ये प्लैंक्स किस लिए पड़ी यार मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्लैंक्स से कुछ काम नहीं है शायद यार, पानी से मुझे दूर ही रहना पड़ेगा। और वैसे मैं बताऊँ ना यार पानी से इसलिए दूर रहना है क्योंकि यार रिवर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा है अंदर पानी के, और पानी के अंदर भी अपन जाएंगे लेकिन यार उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। स्टिक्स यहाँ पर रखी हुई है, ढेर सारे स्टिक्स है वैसे इस आइलैंड में, लेकिन मुझे ना अभी रॉक्स नहीं मिल रहा, मेन चीज़ मुझे रॉक ही चाहिए जो कि यार यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत कम रॉक्स है इस आइलैंड में। और मैं इसके ऊपर कहाँ चढ़ रहा हूँ यार, इसके अंदर देखते हैं यार इसके अंदर शायद कुछ है, इसके अंदर एक बॉक्स पड़ा है, इसके अंदर कुछ तो है, इसके अंदर एक हैमर है, तो शायद मैं हैमर से भी कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो लैशिंग को भी यहीं फेंक देता हूँ क्योंकि लैशिंग तो यार बहुत सारे हैं हमारे पास, हमने ढेर सारे पेड़ को काट रखा है और उससे यार लैशिंग भी इकट्ठा कर रखी है। तो ये हैमर ना सबसे पहले इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, क्योंकि देखो हैमर कहीं अगर खो गया ना बहुत दिक्कत वाली काम हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये क्रैब है यार, ये फालतू के पड़े यार, मुझे नहीं लग रहा है क्रैब का कुछ खाने का रोल है वैसे तो, पर क्रैब को अगर मैं ऐसे ही खाऊंगा ना कच्चा तो शायद ये पॉइजन कर सकते हैं। मुझे रॉक चाहिए, एक रॉक यहाँ पर मिल गया है और रॉक मुझे दिख नहीं रहे, यहाँ पर टोटल 4 रॉक हो गए मेरे पास, लेकिन ना अभी भी रॉक की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि देखो अभी रॉक से ना मुझे अभी कैंप फायर बनाना है, काफी सारी चीजें बनानी है। साइड में यार ये एक छोटा सा आइलैंड से कनेक्टेड ही है, पूरी लैंड है पर यहाँ पर शायद रॉक मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारे क्रैब है यार, ये लोग शायद यहाँ पर धूप लेने आए हैं, पानी के किनारे में ही मिलते हैं ये लोग। और यहाँ पर भी एक बॉक्स नहीं मिलेगा यार, मुझे लगा यहाँ पर भी अगर एक बॉक्स मिल जाता ना तो ज़्यादा सही हो जाता। और ये धूप की जो परछाई है ना यार, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उसी पे पड़ रही है, मतलब देखो मेरी परछाई नहीं दिख रही, ये क्या चीज़ है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें तो काम की नहीं है, और इसको मैं उठा सकता हूँ क्या, ये रॉक है ही नहीं, ये प्लैंक्स पता नहीं किस लिए पड़े यहाँ पर ना। मुझे लग रहा है जो शिप्स होती है ना, जो पायरेट्स होते हैं उन लोगों के शिप के टूटे हुए कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, जो शिप रहती है उसके अंदर काफ़ी सारे प्लैंक्स रहते हैं, और ये जो कंटेनर्स है उसके टूटे हुए टुकड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यार। लगता है यहाँ पर ना आइलैंड में कोई लड़ाई उड़ाई हुई थी शिप की। और देखो ये यहाँ पर लैशिंग वाला फिर से उग गया यार, इसको फिर से काट ही देते हैं क्योंकि देखो बहुत सारे लैशिंग का काम होने वाला है, तो लैशिंग को यार ढेर सारे इकट्ठा हमें करके ही रखना। और जो देखो ये हम लैशिंग काट रहे हैं ना, साथ में पटेटो प्लांट भी उगते जा रहा है, और देखो एक्स से ना बहुत जल्दी काम हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिक्स है मेरे पास। और मैंने देखा था कि आइलैंड में काफ़ी सारी स्टिक्स और पड़ी है, तो अभी मैं कुछ और भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। शायद स्टिक्स में ना मुझे स्टोन्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो स्टोन्स भी अभी रखते हैं हम लोग, और एक्स क्राफ्ट करें क्या हम लोग, और कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकते क्या यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा और क्या क्राफ्ट करें हम लोग। मुझे ना अभी वो बनाना है,
कैंप फायर अगर बन जाएगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग अपना बेस बनाएंगे उसमें अगर कैंप फायर रहेगा ना तो शायद रात के टाइम ना बहुत सही रहेगा, क्योंकि रात के टाइम हम लोग जानवरों से भी बच सकते हैं और कैंप फायर से शायद मैं कुछ खाना पका भी सकता हूँ। मेरे पास कच्चे आलू है ना, तो क्या मैं उसको कच्चा ही खाऊंगा? उसके लिए मुझे पकाना पड़ेगा यार, उसके लिए मुझे कैंप फायर चाहिए होगा। और हमारे पास क्रैब भी है, लैशिंग है मेरे पास, तो इससे शायद मैं कैंप फायर बना सकता हूँ। अभी कैंप फायर शायद मैं बना सकता हूँ, नहीं यार ये क्रूड हैमर का ऑप्शन आ रहा है। क्रूड हैमर, हमारे पास एक हैमर है पर फिर भी क्या बना ही लेते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम क्रूड हैमर से कुछ बना सकते, ये अलग सा आ रहा है यार इसमें ऑप्शन। ये क्रूड हैमर आखिर है क्या? मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है यार ये कुछ काम भी नहीं कर रहा है यार, मतलब इससे कुछ काम हो नहीं रहा है। क्या ये पेड़ को काटेगा? नहीं कर रहा यार ये काम, एक्स से ही काटना पड़ेगा। और अभी ना शाम होने वाली आई थिंक, क्योंकि देखो दिन ढल रहा है और जैसे जैसे रात होगी ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली। और ये इतने सारे नारियल गिरे, देखो तुमने कोकोनट्स कितने सारे हैं यहाँ पर। ट्रंक छोटा सा ही है यार, मतलब इस बार मुझे फिर से 4 स्टिक मिलेगी। और ये इतना बड़ा पेड़ होने के बावजूद ये यार सिर्फ 4 स्टिक्स ही दे रहा है, तो मतलब यार बहुत गलत चीज़ है यार ये तो। लॉक को भी तोड़ना पड़ेगा और इसको स्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्या जो टूटा हुआ भाग है उससे मैं लीव्स इकट्ठा नहीं कर सकता? क्योंकि लीव्स भी अगर मिल जाएगी ना तो, अरे हाँ ये है ना यार, लीव्स मिल जाएगी ना तो काफी सही काम हो जाएगा अपना, क्योंकि लीव्स से ना हम लोग अपना शेल्टर बना सकते हैं और शायद मैं बेड भी बना सकता हूँ लीव्स से। तो अभी शायद इन्वेंटरी में प्लेस नहीं है, तो यार अभी मुझे ना ये लीव्स यहीं छोड़ देता हूँ मैं। और देखता हूँ यार ये भी फिर से उग गया यार, इसको फिर से तोड़ देते हैं। लैशिंग ढेर सारी हो जाएगी ना तो हम लोग अपना शेल्टर बना सकते हैं और साथ में बेड भी बना सकते हैं। और रॉक है मेरे पास, अभी 2 ही रॉक है ना, और स्टिक्स को इकट्ठा कर लेते एक जगह पे। यहाँ पर शायद अब मैं कैंप फायर बना सकता हूँ और ये कैंप फायर का ऑप्शन आ रहा है। मैं कैंप फायर अपना ना थोड़ा सा यहीं पे रखने वाला हूँ, क्योंकि देखो और क्योंकि अभी यार अभी कैंप फायर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये क्या हो गया यार स्टिक्स, अरे यार गलती से मैंने यार कैंसिल कर दिया। कैंप फायर को अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना तो पानी के पास भी रहेगा, तो यहाँ पर ना कोई रिवर मॉन्स्टर जल्दी आ नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि मेरे पास जो लाइटर है ना वो मैं अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं कितनी भी बार यूज करूँ। और अभी मुझे पोटैटो चाहिए क्योंकि यार मुझे इसे पकाना है, तो स्टिक्स को मैं यहीं रख देता हूँ, एक ही तो स्टिक है मेरे पास। और पोटैटो उठा लेता हूँ क्योंकि यार पोटैटो मुझे अभी पकाना है और मैं कच्चे शायद ही खा सकता हूँ, यहाँ पर भी ढेर सारे थे। इस प्लांट को यार मैं बाद में काटूंगा क्योंकि ढेर सारे पटेटोस अभी मेरे पास आ गए हैं और इसे मैं पका लेता हूँ, शायद ये पकेंगे अब। क्योंकि देखो कैंप फायर मैंने जला ली है, रात होने वाली है और रात जैसे जैसे होगी ना तो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। अभी ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ढेर सारी अभी लैशिंग्स पड़ी है मेरे पास, अभी ना मुझे बेड की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे पास रॉक्स है और साथ में अभी रॉक्स को यार इसके अगर साइड में रखूंगा तो कैंप फायर शायद ज़्यादा देर तक जलेगी, बट यार अभी कुछ क्राफ्टिंग का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी ये पटेटो पक गया होगा, शायद मैं इसे खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। वैसे तो यार जहाँ तक मुझे पता है ना पटेटो यार ऐसे ही पकते हैं, बट ये अभी तक नहीं पका यार, लगता मुझे वेट करना पड़ेगा। इसको उठा के पकाते हैं, यहाँ पर जलने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन यार ये पक क्यों नहीं रहे हैं? ये पटेटोस यार इतनी जल्दी नहीं पकेंगे, इसलिए मुझे यार लेके इसे थोड़ी देर तक बैठना पड़ेगा। शायद यार ये अभी पक गया होगा, इसे उठा के देखते हैं यार क्या ये पक गया, इसे खा सकता हूँ मैं? खा तो लिया मैंने लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पका था कि नहीं। अभी मेरी हंगर यार थोड़ी सी कम हो रही है, इसे मुझे जल्दी जल्दी पका के खाना पड़ेगा, नहीं तो यार मेरी हंगर अगर जल्दी जल्दी कम हो गई ना तो मेरी हेल्थ भी एकदम से डाउन हो जाएगी, इसीलिए ना मुझे ये पकाना पड़ेगा जल्दी। अब यार कितना टाइम ले रहा है यार ये पकने के लिए। और वैसे ना सबसे अच्छी बात है कि यार मैंने अभी कैंप फायर जला लिया ना तो कोई भी एनिमल मेरे पास नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर यार सबसे अच्छा लग रहा है कि यार मैं अभी खाना खा रहा हूँ और हाँ हंगर धीरे धीरे मेरी फुल हो रही है। और देखते यार मैंने यहाँ पर जो लीव्स इकट्ठा करी थी ना इसका कुछ काम होगा, तो लीव्स भी ले ही लेता हूँ मैं, मुझे बेड बनाना ना क्योंकि, तो शायद मैं लीव्स की हेल्प से ही बेड बना पाऊंगा। और स्टिक्स भी लेके ही चलता हूँ क्योंकि बेड बनाने के लिए ना मुझे स्टिक्स तो चाहिए ही। और यहाँ पर मैं लीव्स को भी इकट्ठा कर ही लेता हूँ क्योंकि 2 स्टिक्स में काम होगा क्या मुझे नहीं पता यार। अभी पटेटो प्लांट है मेरे पास,
और इसको भी काट ही लेते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे पोटैटो है मेरे पास अभी और मुझे शायद और स्टिक्स की जरूरत है, तो इसे पहले काटते हैं और इसको लेके चलेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास दो स्टिक्स ही थी वहां पर और शायद मुझे चार स्टिक लगेगी, मुझे नहीं पता यार अभी कितने स्टिक लगने वाली है। और अभी तो मेरी हंगर यार ठीक ठाक ही है और मुझे प्यास भी नहीं लग रही है अभी, तो लॉक्स को भी काट ही लेते हैं यार। अभी स्टिक मुझे यार जल्दी जल्दी काट दो, स्टिक लेके चलते हैं, स्टिक्स आ गई है और इसको ना अभी लेके चलते हैं, क्योंकि यार स्टिक्स से ही तो बेड बनेगा अपना और लीव्स तो है ही वहां पर, तो जहां तक मुझे लग रहा ना स्टिक्स और लीव्स की हेल्प से ही बन जाना चाहिए, कि लैशिंग भी लगेगी। मैंने गलती से यार अपना एक्स फेंक दिया, इसको उठाना पड़ेगा। ये क्या क्या कर दिया यार ये, मैंने अपना एक्स उठाना, यार एक्स उसके नीचे दब गया। चलो इसको साइड करता हूँ यार, साइड हो जा, एक्स को उठा लेते हैं और शायद अभी जो मैं स्टिक्स लेके आया हूँ उनकी हेल्प से मैं अपना बेड बना सकता हूँ। स्टिक्स को भी यहाँ पर फेंक देते हैं, ये टोटल स्टिक्स मैंने फेंकी, शायद ये कैंप फायर ही बनेगा अभी, क्योंकि स्टिक्स ही है ना बस, तो हाँ कैंप फायर इधर बन रहा है, बट मेरे पास अभी कैंप फायर है तो कैंप फायर की जरूरत नहीं है। मुझे शायद लैशिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लैशिंग शायद मेरे काम आने वाली है। मैं हैमर उठा के देखता हूँ, क्योंकि जो मुझे हैमर मिला है ना वो ना शायद कुछ अलग क्राफ्ट कर सकता है, तो नहीं यार इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कि कुछ क्राफ्टिंग नहीं कर सकता ये। लेकिन मैं करूँ किससे यार, क्राफ्ट किससे करूँ मैं? चार स्टिक्स और पाम लीव्स से कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो पाम लीव्स को इकट्ठा ही कर लेते हैं और देखते हैं चार लीव्स और जो स्टिक्स हैं उनकी हेल्प से शायद मेरा बेड तैयार हो सकता है। ओ हाँ मैं कुछ यहाँ पर क्राफ्ट कर सकता हूँ। शिट यार ये तो कैंप फायर ही है, लेकिन मुझे ना अभी कुछ बेड बनाना है यार। बेड कैसे बनेगा? लैशिंग मुझे यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा यार मैं कैसे बनाऊँ। ये लैशिंग की जरूरत शायद पड़ेगी, मैं लैशिंग उठा ही लेता हूँ। चलो यार लैशिंग लेके चलते हैं, अभी देखते क्या बेड बन पाएगा अभी। अबे यार बेड क्यों नहीं बन पा रहा यार, मेरा कैंप फायर का ही ऑप्शन आ रहा है सिर्फ। अभी मुझे लग रहा है और लैशिंग की जरूरत होने वाली है। एक लैशिंग यहाँ पर गिरी है ना, कहाँ चली गई यार, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है ना यार एक तो, और मेरे पास एक लाइटर है, टॉर्च भी नहीं है मेरे पास। लैशिंग और इकट्ठा करते शायद अब बेड बन सकता है। नहीं यार अभी भी नहीं बन रहा है बेड, तो एक लैशिंग और लेके चलते हैं, क्योंकि चार लीव्स, चार स्टिक और चार लैशिंग शायद बेड बन जाए। क्या पता यार ये बन क्यों नहीं रहा, बेड का ऑप्शन आ गया यार। चलो एक नंबर यार, अभी तो मैं सो भी सकता हूँ और रात हो गई है, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता रात कितनी देर तक रहेगी, इसको यहीं पे रखते हैं हम लोग, कैंप फायर के पास रहेगा ज्यादा सही रहेगा। स्लीप का ऑप्शन आ रहा है, अभी हम लोग सो सकते हैं। तो ऑल राइट गाइस यार, हम लोग यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्लीप भी कंप्लीट कर चुके हैं और यार फिर से एक सो आनी सुबह, और हम लोग इस पोटेटो प्लांट को तोड़ लेते हैं यार। ढेर सारे पोटेटोस हो गए हमारे पास, बैड हो गया है, और क्या ही तो चाहिए हम लोगों को यार, कितना सही काम चल रहा है। ट्रंक यहाँ पर है, एक पेड़ मैंने तोड़ा था और ढेर सारे अभी मेरे पास कोकोनट्स भी इकट्ठा हो ही गए हैं, तो अभी इस ट्रंक्स को सबसे पहले तोड़ लेते हैं, क्योंकि जो हमें स्टिक्स चाहिए ना ये हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अभी मुझे अपना शेल्टर बनाना है, उसके लिए मुझे स्टिक्स चाहिए और ढेर सारी चीज़ें करनी है। यार ये कैसे टूटा यार अजीब तरीके से, स्टिक्स भी कलेक्ट कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैं हैमर फालतू में उठा के लेके आया हूँ, इसको मैं सबसे पहले यार अपने राफ्ट पे छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि यार हैमर का तो कुछ काम हो ही नहीं रहा ना, तो राफ्ट पे तो यहीं पड़े रहे यार, तेरा कुछ काम ही नहीं है। और अब इसको तोड़ ही देता हूँ यार, यहाँ तक आया हो तो यार लैशिंग भी तोड़ देते हैं, और लैशिंग जैसा मैंने बताया ना मैं इसको यहाँ पे तोड़ते जा रहा हूँ, ये रीग्रो होते जा रहे हैं, और स्टिक्स की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर मैंने पाम लीव्स भी इकट्ठा कर ली थी, तो पाम लीव्स भी यार रहने दो, अभी कोई काम नहीं है, और मैं अभी सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी तो मैं सो के उठा हूँ, और कैंप फायर शायद अब बुझने वाली है, और ये पोटेटो शायद पके नहीं है यार। ये क्या हो रहा है, ये ग्लिच हो रहा है शायद। देखो यार पोटेटो हवा में उड़ रहा है, ये कोई सी ग्लिच है मुझे लग रहा है, गेम की ग्लिचेस है ना यार, उनको फिक्स करना चाहिए। चलो कोई नहीं यार, इसको यहीं छोड़ देते हैं पटेटो को। कैंप फायर यार मुझे लग रहा है बुझने बुझने वाला है, क्योंकि अभी देखो सुबह भी हो गई, अभी वैसे कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कैंप फायर मुझे यार उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। कैंप फायर बुझ गई यार शायद, नहीं अभी नहीं बुझी है। मुझे ना कैंप फायर को एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना कैंप फायर बहुत जल्दी बुझ जाएगी ना, तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। मैं अपने स्टिक्स को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देता हूँ। ये क्या एक के ऊपर एक ही हो गई,
चलो कोई नहीं, यहाँ पर लैशिंग भी है मेरे पास, ढेर सारी स्टिक्स हो गई है मेरे पास, और मैंने अपना बेड भी बना लिया है। तो मैंने ना मतलब अपनी जो शुरुआत करी है ना सर्वाइविंग की, बहुत ही सही शुरुआत करी है। मेरे पास स्टिक्स हो गई ढेर सारी, और अभी ना मैं हैमर से शायद मैं कुछ बना पाऊँ यार। मुझे ना अभी एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें ना मैं कुछ अपने सामान रख सकूँ या अपने बेड को रख सकूँ, क्योंकि अगर अपना बेड ऐसे खुले में रहेगा ना तो कोई भी एनिमल अटैक कर सकता है। शायद लैशिंग की हेल्प से कुछ ना कुछ तो बन जाए, कि चार लैशिंग और चार स्टिक्स की हेल्प से तो कुछ भी नहीं बन रहा है यार। ये हैमर का काम क्या है मुझे बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार देखो हैमर जो हमने बनाया ना उसका कुछ ना कुछ तो काम होने वाला है इतना मुझे पता है, एंड ये कुछ क्राफ्टिंग के ही काम आता है इतना भी मुझे पता है, लेकिन हैमर आखिर कुछ कर नहीं रहा है। क्या ये रॉक्स को तोड़ पाएगा? बारिश होने लगी यार, ये सबसे गलत चीज हो गया। अब मेरी कैंप फायर भी बुझ जाएगी, शायद अब कैंप फायर को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। अब कैंप फायर भी मेरी बुझ जाएगी, बारिश भी बहुत तेजी से हो रही है, और इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। ढेर सारे पटेटोज हैं हमारे पास, हम लोग उसे खा भी सकते हैं, और हमारी हंगर बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो मुझे अभी कच्चे पटेटो ही खाने पड़ेंगे। शायद मेरे पास कोकोनट है, इसको खा सकता हूँ मैं, इसको खा लेते हैं, क्योंकि कोकोनट ना जल्दी हंगर को फुल करेगा। और बारिश कितनी तेजी से हो रही है यार, एक बार अगर तुम लोग यार ईयरफोन लगा के अगर इसको सुनोगे ना तो यार बहुत तेजी से बारिश हो रही है, और शायद ये जो पक चुके थे यार, मेरी कैंप फायर भी बुझ गई ना, और मुझे अभी थोड़ी प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है। तो मुझे ना अभी सबसे पहले अपना जो कोकोनट है ना उसको ड्रिंकेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रिंकेबल कोकोनट भी तो है जिसे मैं पी सकता हूँ। अभी ये कोकोनट ड्रिंकेबल कोकोनट हो गया, तो इसको ना मैं अब पी भी सकता हूँ। और वाटर लेवल अभी सबसे पहले देखता हूँ यार, वाटर लेवल कम हो रहा है, इसको मुझे पीना है। अभी शायद मेरा वाटर लेवल भर गया होगा, देखते यार। अभी इस कोकोनट को मैं और नहीं पी सकता क्या? ये और पी ही नहीं रहा यार, वाटर लेवल पूरा फुल नहीं हुआ उसके बाद भी। चलो अब इसको तो यार मैं खाने की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ ना। अब कोकोनट हाफ जो हो जाता है उससे करके मैं इसको खा भी सकता हूँ। ये कोकोनट हाफ्स को उठा लेते हैं और इनको अभी मैं खा भी सकता हूँ, तो ये मेरा खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा, और साथ में मैंने पीने के लिए भी कर ही लिया यार। कोकोनट को कभी भी मैं चाहूँ तो पी सकता हूँ, क्योंकि इस आइलैंड में यार काफ़ी सारे कोकोनट्स हैं। तो ऑल राइट गाइस, यार आज की इस वीडियो में आई थिंक इतना काफ़ी होगा, और अगर तुम लोग को इससे रिलेटेड यार और वीडियो चाहिए या इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो यार लाइक गेम जरूर से कम्प्लीट करा देना, जो कि यार सिर्फ 1000 लाइक्स का लाइक गेम है। और तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और मुझे इस वीडियो को पार्ट्स लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए।